अकाउंट टू पार्ट चार हुंडी यानी विपत्र बिल ऑफ एक्सचेंज का आज से हम अध्ययन करेंगे। नमस्कार मित्रों, मैं गजेंद्र सिंह तोमर आपका सेव ऑनलाइन स्टडी में हार्दिक स्वागत है। हम आज इस सवाल इनके सवालों को सीखेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास सवाल दिया गया है, तो देखेंगे। पहला सवाल है, सैद्धांतिक प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर चार का पहला। हेतांश ने 60 हज़ार का माल 2 मास की साख पर हिरेन को 1/6/2016 के दिन बेचा। 2/6/2016 के दिन हेतांश ने हिरेन की जरूरी रकम की 2 मास की अवधि में हुंडी लिखी, जो हिरेन ने स्वीकार करके वापस ली। पकने की तारीख पर हिरेन ने हुंडी की रकम चुका दी। दोनों पक्षकारों की बही की आवश्यक रूपनामचा लिखी है। इससे पहले अपने कुछ और सीख लेते हैं। तो देखें, यहाँ पर लिखा है हुंडी लिखने वाला के खाते में इस तरह से लिखेंगे, और ये स्वीकार स्वीकार करने वाला है। शीतल ट्रेडर्स का खाता, ग्राहक खाते यानी ग्राहक का नाम लिखना है, और बिक्री खाते का लिखना है। इधर देखेंगे माल की खरीदी हुई है, इधर माल बिका, इधर खरीदी हुई है। तो खरीदी खाते उधार और व्यापारी के खाते का नाम लिख के खाते का कर देंगे। लेनी हुंडी स्वीकार करके हुंडी लेखक को वापस मिले तब। तो सबसे पहले इसको अपने बाद में देखते हैं, यहाँ पर अपने देखते हैं सबसे पहले क्या करना है। तो यहाँ लिखा है हेतांश ने 60 हज़ार का माल 2 मास के साख पर हिरेन को 1 तारीख को बेचा है। तो बेचने का हम लोग, और यानी एक ने बेचा है तो दूसरे ने क्या किया होगा, खरीदा होगा। तो इन दोनों की हम एंट्री करते हैं। तो हेतांश की बही में रूम नाम चाहे, हेतांश ने क्या किया है, हिरेन को माल बेचा है। तो इसलिए तारीख 1/6/2016, हिरेन को बेचा है इसलिए हिरेन खाता उधार हो जाता है। हिरेन खाता उधार अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था, और बिक्री खाते का हिरेन कौन है, ग्राहक है। तो हमने इसलिए उसके लिए 60 हज़ार का माल बेचा है, तो 60 हज़ार हमने लिखा। तो यहाँ पर लिखेंगे विवरण में 60 हज़ार का माल हिरेन को उधार बेचा। अब हम इसी की एंट्री करते हैं, किसके में, हिरेन के बही में करते हैं। तो कैसे होगा, इसका उल्टा कर देते हैं। तो इधर क्या आ जाएगा, 1/6/2016 हम लिखते हैं खरीद खाते, उधर बिक्री खाते जमा किया था, उधर खरीद खाते उधार कितना था, 60 हज़ार। और इसमें तो ये हिरेन की वही में न, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हेतांश, हेतांश व्यापारी का नाम आ जाएगा, हेतांश खाते का 60 हज़ार। विवरण में लिखते हैं हम, यहाँ पर विवरण में हम क्या लिखेंगे, तो हम लिखेंगे 60 हज़ार का माल हेतांश के पास से खरीदा, बरोबर। अब हम आगे हुंडी स्वीकार करने की देखते हैं। तो यहाँ देखते हैं, लिखेंगे यहाँ पर 2/6/2016 के दिन, यानी ये इस तारीख को हमने हुंडी को स्वीकार किया है। 2 मास की अवधि में हुंडी लिखी है, तो जो हिरेन ने स्वीकार करके वापस की, बरबर। लिखने वाला और स्वीकार करने वाला 2 पक्ष होते हैं, और भुनाने वाला 3 पक्ष। इस तरह से हुंडी में 3 पक्ष होते हैं। इसका देख, तो यहाँ पर जब लेनी हुंडी स्वीकार करके हुंडी लेखक को वापस मिले, यानी लिखता कौन है, तो व्यापारी लिखता है हुंडी, हमेशा हमेशा व्यापारी हुंडी लिखता है। तो व्यापारी के लिए लेनी हुंडी और ग्राहक के लिए देनी हुंडी होती है। आप ध्यान रखना है, लिखने वाला जो होता है वो उसके लिए लेनी हुंडी, जो स्वीकार करने वाला होता है उसके लिए देनी हुंडी। तब हम कैसे करते हैं, तो यहाँ पर देखेंगे व्यापारी के उसके अंदर, तो लेनी हुंडी खाते उधार शीतल ट्रेडर्स खाते, और उसके अंदर यानी कि ग्राहक की बही में लिखेंगे, तो यानी कि जो व्यापारी का नाम खाते उधार और देनी हुंडी खाते का लिखेंगे। तो देख करते हैं एंट्री, तो तारीख लिखते हैं 2 तारीख को स्वीकार किए, 2/6/16 क्या नाम है उस, यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले लेनी हुंडी खाता उधार कितना है, 60 हज़ार, 60 हज़ार की हुंडी लिखी है। और हिरेन खाते का यानी हिरेन का खाता इधर जमा में कर दिया, तो हिरेन का खाता क्लोज हो गया है। विवरण में लिखेंगे 60 हज़ार की हुंडी स्वीकार करके वापस भेजी। अब इसी का उल्टा हम क्या करेंगे, लेनी हुंडी की जगह पर देनी हुंडी हो जाएगी, लेकिन वो जमा हो जाएगी, और यहाँ पर हिरेन की जगह पर यानी कि ग्राहक की जगह पर व्यापारी का नाम ऊपर आ जाता है। तो यहाँ लिखते हैं 2/6/16 देनी, सॉरी, हेतांश
व्यापारी का नाम लिखेंगे, यहाँ उधार है इसलिए जमा हो जाएगा हेतांश खाते का, और यहाँ पर देनी हेतांश खाते उधार 60,000, देनी हुंडी खाते का 60,000। विवरण में लिखेंगे 60,000 की हुंडी हेतांश को लिखी, स्वीकार करके वापस भेज दी, बरोबर। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ लिखा है पकने की तारीख, ध्यान रखना पकने की तारीख पर हुंडी की रकम चुका दी, दोनों पक्षकार की भाई, यानी हुंडी चुका दी पकने की तारीख पर, तब एंट्री कैसे करते हैं देखें। तो यहाँ लिखा है पकने की तारीख पर हुंडी स्वीकृत करने वाले के पास से रकम मिले तब, तो बैंक या रोकड़ खाते उधार लिखते हैं, और लेनी हुंडी खाते का, यानी लेनी हुंडी खाते क्लोज हो जाते हैं, इधर देनी हुंडी खाते उधार कर देते हैं, और बैंक रोकड़ खाते का, यानी कि देनी हुंडी खाते का क्लोज हो गया। अब देखते हैं एंट्री करते हैं, तो हम देखेंगे यहाँ पर तारीख, पकने की तारीख पे आप ध्यान रखना है, जैसे स्वीकार की है कितनी तारीख लिखी, कितनी है 2 तारीख, तो हम अगला महीना हम देखेंगे 2 महीने के लिए लिखा है, तो यानी कि 6 छठे महीने के 2 महीने जोड़ दो तो 8वां महीना हो जाता है, लेकिन तारीख आप यहाँ पर लिखेंगे तो तारीख में ध्यान रखना है 3 दिन जोड़ देते हैं, 3 जून जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 2 और 3 5 5 तारीख को वो देगा, तो रोकड़ खाता खाता उधार बराबर 60,000, और लेनी हुंडी खाता, लेनी हुंडी खाता का 60,000। विवरण में हम लिखेंगे पकने की तारीख पर हुंडी की राशि 60,000 प्राप्त हुई, बराबर। इस तरह से इधर हो जाता है, टोटल मानने की ज़रूरत आपको नहीं है। अब हम आगे देखते हैं इधर क्या करते हैं, 5, 6, 16, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, देनी हुंडी खाते उधार हो जाता है, देनी हुंडी खाते का 60,000, और रोकड़ खाते, देनी हुंडी खाते उधार, सॉरी रोकड़ खाते का 60,000। विवरण में लिखेंगे देनी हुंडी 60,000 की देनी हुंडी की रकम चुकाई, ओके। इस तरह से ये पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वंदे मातरम।